सोनभद्र में अवैध खनन पर हुई कार्रवाई, 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज। भाजपा के राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे का निधन, पार्थिव शरीर उनके निवास पहुंचा। सांसद हरिद्वार दुबे दो बार विधायक भी रह चुके हैं। मेरठ में कार चोरी करने वाले गिरोह का हुआ खुलासा, एनकाउंटर के बाद दो बदमाश हुए गिरफ्तार। सरधना जारी पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए खुलासा किया। लक्सर के जेके टायर की फैक्ट्री में हादसा, फैक्ट्री में लगे कोयले की ढान गिरने से दबकर मजदूर की हुई मौत। फैक्ट्री गेट के बाहर परिजनों ने जमकर किया हंगामा। प्रयागराज में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, हादसे में कई श्रद्धालु हुए घायल। जैतवार डी रेलवे पुलिया के पास की घटना, 15 लोगों के घायल होने की सूचना। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार का कहर, कार असंतुलित होकर नाले में गिरी, कार सवार सहित 5 लोग हुए घायल। सूरजपुर कोतवाली इलाके की घटना। बलरामपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में छत के कुंडे से लटकता मिला महिला का शव। घटना के वक्त खेत पर काम करने गए थे सभी परिवार वाले, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा ऑपरेशन, अमरनाथ यात्रा से पहले टेरर लिंक के मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी, शोपियां, पुलवामा, बांदीपुरा और कुलगाम में दबिश। दिल्ली की प्रगति मैदान टनल के पास लूट का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। बदमाशों ने गन पॉइंट पर कार सवार लोगों से करीब 2 लाख रुपए लूटे। केजरीवाल बोले इस्तीफा दे एलजी। दिल्ली वालों को लग सकता है महंगाई का झटका, 10% बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। सरकार की सफाई, जिन्हें सब्सिडी मिलती है उन पर असर नहीं, बीजेपी ने उठाए सवाल। ओडिशा के गंजाम में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 बसों के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 10 लोगों की मौत, कई घायल। मध्य प्रदेश के कटनी में रात के अंधेरे में बदमाशों का आतंक, फायरिंग करके मचाई दहशत, पुलिस ने 3 खोखे किए बरामद। चिराग दिल्ली में सावित्री फ्लाई ओवर पर लैम्बोर्गिनी कार ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में ऑटो चालक समेत 2 शख्स हुए घायल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों ने की आत्महत्या, घटना से पूरे इलाके में फैली सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुरैना में लापता युवक की हत्या का मामला पुलिस ने किया दर्ज, लापता युवक के भाई घनश्याम तोमर ने 4 जून को की थी शिकायत। मुंबई के घाटकोपर इलाके में राजवाड़ी कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढहा दिया गया, बीएमसी ने इमारत को ध्वस्त किया। हिमाचल के मंडी में बादल फटने से मची तबाही, मंजर देखकर सहमे लोग, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, अचानक आए सैलाब की वजह से वहां फंसे 200 लोगों को निकाला गया। भारी बारिश के बीच हिमाचल के टांडा मेडिकल कॉलेज कैंपस में भरा पानी, हालांकि प्रशासन ने किसी भी तरह के नुकसान से इनकार किया। हिमाचल के कांगड़ा में भारी बारिश और बाढ़ के बीच दिखी लोगों की लापरवाही, जान जोखिम में डालकर पर्यटक पानी में जा रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने, कई वाहनों को हुआ भारी नुकसान। हिमाचल की मंडी में हनोगी मंदिर के पास अचानक आई बाढ़, बारिश के बाद बाढ़ की वजह से NH3 पर आवाजाही हुई ठप। मुंबई के विले पार्ले इलाके में 2 मंजिला इमारत की बालकनी गिरने से 2 बुजुर्गों की मौत, पहले गिरी दूसरी मंजिल की बालकनी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश के बाद मेंढक के हडनी नाले में अचानक आई बाढ़, नाले में बह गया एक शख्स, लोगों की मदद से उसे बचा लिया। असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर मामूली रूप से कम हुआ, आने वाले दिनों में और कम हो सकता है पानी, हालांकि निचले इलाकों में अब तक कम नहीं हुई लोगों की परेशानी। मध्य प्रदेश के गुना में मानसून ने दी दस्तक, तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश, भारी बारिश के बाद बड़े जल जमाव की समस्या, सड़कें बनी ताला। मध्य प्रदेश की राजधानी में भी मानसून की बारिश ने दी दस्तक, भोपाल के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश, शहर हुआ जलमग्न। मध्य प्रदेश के रेवाड़ी में अंडरपास में पानी भरने से फंस गई कई गाड़ियां, 12 घंटे की बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, डबल फाटक अंडरपास में 2 फीट तक पानी भरा, दुपहिया वाहन भी पानी में रेंगते दिखे। के पंचकुला में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर, पानी के तेज बहाव में गाड़ी नदी में बह गई, गाड़ी में सवार महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
एमपी के मुरैना में 3 घंटे की बारिश से पूरा शहर हुआ जलमग्न। तेज बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात, अस्पताल के कई हिस्सों में भरा पानी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास करंट लगने से एक महिला की मौत। बारिश की वजह से जमा पानी में करंट फ्लो होने से हुआ हादसा। चंडीगढ़ के मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। हरियाणा के कुछ हिस्सों में मॉनसून का असर दिखा। पीएम मोदी का मध्य प्रदेश के लालपुर और शहडोल में होने वाला दौरा स्थगित। 27 जून को राज्य में प्रस्तावित था उनका कार्यक्रम। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी, खराब मौसम के मद्देनजर स्थगित हुआ दौरा। मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से अमित शाह की मुलाकात। ताजा हालात की दी जानकारी, कल मणिपुर के सीएम से मिले थे अमित शाह। रानीखेत में 20 पेटी अवैध शराब हुई बरामद। कार में ले जाई जा रही थी शराब, पुलिस ने कार्रवाई के दिए निर्देश। बस्ती में वशीकरण कर लोगों को ठगने वाली 6 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से सोने चांदी के जेवर बरामद। नोएडा में किडनैप हुआ बच्चा, सकुशल हुआ बरामद। 12 घंटे में 6 साल के बच्चे को नोएडा फेज 2 थाना पुलिस ने सकुशल किया बरामद। पुलिस ने 5 टीम गठित करके आरोपी को किया गिरफ्तार। शामली में पुलिस और लुटेरों की मुठभेड़ में 3 आरोपी घायल। पुलिस ने लूटी गई रकम, मोबाइल और अवैध हथियार बरामद किए। हापुड़ पुलिस ने शातिर गोक्षो को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक पशु हथियार और पशु काटने के उपकरण बरामद किए। औरैया पुलिस के साथ एसओजी टीम की गो तस्करों से मुठभेड़। एक तस्कर के पैर में गोली लगी, दूसरे बदमाश ने खुद को घिरते देख पुलिस के सामने सरेंडर किया। उनके कब्जे से 2 कट्टे 1 बुलेट बरामद। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, दोनों ओर से फायरिंग में 2 बदमाश और कांस्टेबल हुए घायल। घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। श्रावस्ती में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को रौंद डाला, घायलों को कराया गया भर्ती। कोतवाली क्षेत्र के पटना खरगौरा गांव का मामला। बस्ती में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आए बुजुर्ग की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के तेलियाडीह गांव का मामला। नोएडा में एलिवेटेड रोड पर कार बेकाबू होकर पलटी, हादसे में कार सवार घायल। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। फिरोजाबाद में कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग हुए जख्मी। एक शख्स की इलाज के दौरान मौत, लोगों ने कार सवार को पकड़ा। जालौन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसा दूसरा ट्रक, ट्रक में फंसने से ड्राइवर की मौत, क्लीनर जख्मी। चंदौली में चाय की दुकान में गैस सिलेंडर में लगी आग, आग के कारण नफरा तफरी का माहौल। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर पाया काबू। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से गंगा पुल की सड़क टूट कर बही। मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर का रास्ता हुआ बाधित। नारनौर हस्तिनापुर गंगा पुल का मामला। पौड़ी में सड़क पर पहाड़ी से गिर रहा है पत्थर और मलबा। किंग कालेश्वर सड़क पर बने लैंडस्लाइड जोन का अब तक नहीं हो पाया है ट्रीटमेंट। भाजपा के राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे का निधन। आगरा में भाजपा के वरिष्ठ नेता माने जाते थे हरिद्वार दुबे। परिवार और पार्टी में शोक की लहर। हापुड़ में जगन्नाथ रथ यात्रा का किया गया आयोजन। राधा कृष्ण में हुआ पूरा शहर, रथ के दर्शन और उसे खींचने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। संभल में बाइक सवारों को कार ने रौंदा, एक की मौत एक घायल। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर में 5वें दिन भी आईटी की रेड, 250 करोड़ का फर्जी लेन देन पकड़ा गया। बहराइच में नदी में डूबी महिला को लोगों ने बचाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखीमपुर खीरी में दुधवा रोड पर दिखा बाघ, बाघ को देखते हुए सड़क पर थम गए वाहन। कार सवार राहगीरों ने बाघ का बनाया वीडियो। रायबरेली में घरेलू विवाद में चली ताबड़तोड़ गोलियां, 2 लोग गोली लगने से जख्मी। लखनऊ किया गया रेफर, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कौशाम्बी में लोगों ने चोर को पकड़ा, पेड़ में बांधकर युवक की पिटाई की। सारी थाना इलाके के मलाख निदुरा का मामला।
आजमगढ़ में पति पत्नी की धारदार हथियार से हुई हत्या, शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी। फिरोजाबाद में पति पत्नी का शव घर से हुआ बरामद, अलग अलग कमरों में मिले शव, पुलिस को मौके से तमंचा भी मिला, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। महोबा में सांप के काटने पर युवक सांप लेकर पहुंचा जिला अस्पताल, सांप देखकर लोगों में मचा हड़कंप, युवक को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। खन्ना थाना के अधिकारी ग्योड़ी गांव का मामला। सहारनपुर में दो ट्रकों के बीच हुई जोरदार टक्कर, हादसे में दो लोग गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में भर्ती। रामपुर थाना इलाके के मनिहारन की घटना। श्रीनगर गढ़वाल में जोरदार बारिश होने की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा, नमामि गंगे के तहत बने घाट डूबे, श्रीनगर गढ़वाल के मुख्य बाजार भी पानी से भरा। बुलंदशहर में बुजुर्ग की हत्याकांड का खुलासा, संपत्ति के लालच में बेटे ने ही दी थी पिता की हत्या की सुपारी, पुलिस ने हत्या के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी का शूटर अमित राय हुआ गिरफ्तार, समर्थन में 150 से 200 की संख्या में लोगों ने थाने पर बोला हमला, शूटर अमित राय को छोड़ने की मांग को लेकर किया बवाल। बारिश के चलते रोकी गई केदारनाथ यात्रा, धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग पर बारिश जारी, सुरक्षित जगहों पर यात्रियों को रोका गया, सोनप्रयाग में 5,000, गौरीकुंड में 3,000 यात्री रोके गए। गोरखपुर में फरार माफिया के भाई के अवैध मकान पर चला बुलडोजर, जीडीए ने की कार्रवाई, 50,000 का इनामी विनोद उपाध्याय और 25,000 का इनामी संजय भी फरार। कानपुर में युवती ने सड़क पर लहराई बुलेट, भीड़भाड़ वाले रोड पर बिना हेलमेट के चलाई बुलेट, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। गाजीबाग में कोचिंग सेंटर के आड़ में चल रहा था मदरसा, छात्रों को पढ़ाई जाती थी नमाज, पुलिस ने कोचिंग सेंटर संचालक को किया गिरफ्तार। महोबा में सांप लेकर इलाज कराने अस्पताल पहुंचा युवक, सांप के काटने से युवक की बिगड़ी थी हालत। कानपुर में तीन डंपर में टक्कर के बाद लगी भयंकर आग, एक शख्स की जलकर मौत, 6 लोग जख्मी, जहांगीराबाद सागर हाईवे पर हुआ हादसा। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर क्रेटा कार में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, कार सवार एक की मौत, दो घायल, घायलों को कार की खिड़की काटकर निकाला गया बाहर। चित्रकूट में श्रद्धालुओं को ट्रक ने रौंदा, दो की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, आरोपी ट्रक चालक फरार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।